हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो आज हम लोग आ गए हैं, जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी जस्ट नवरात्रि खत्म हो गई है, तो आज हम लोग आ गए हैं नवरात्रि का सेलिब्रेशन करने के लिए। तो म्यूनिक में भी फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं कि हमको पता चला कि यहाँ पे एक मैत्री मंडल है जहाँ पे जो लोग नवरात्रि का सेलिब्रेशन करवाते हैं, तो हम लोग वहाँ पे आए हैं सेलिब्रेशन करने के लिए। तो निम्फनबर्ग पैलेस में ही एक छोटे उसके ही एक सेक्शन में ये सेलिब्रेशन हो रहा है, तो हम आपको उस सेलिब्रेशन में लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या है माहौल, और हम भी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या मिलता है, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट नवरात्रि सेलिब्रेशन है यहाँ पे बाहर ऑफिशियली। तो चलिए देखते हैं क्या, एक्सप्लोर करते हैं। पंडाल में आ गए हैं और आज पता है माइक का असली टेस्टिंग होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ है। तो चलिए मैं आपको माता जी का दर्शन कराती हूँ और मैं भी करती हूँ, तो चलिए। ले लो माता जी का। कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं सच में इंडिया में ही आ गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सच में। आई एम थैंकफुल कि मैं यहाँ पे आई, सीरियसली। यहाँ पे जिस तरफ देखोगे ना, हर तरफ इंडियंस और अपने इधर के अपने साइड के गाने बज रहे हैं, मतलब पूरा इंडियन वाला वाइब आएगा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा बीच में खड़े होकर ले रही हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब एवरीबॉडी, बट ठीक है, फाइनली सारी टिक जाए अंदर तक, एंड तक मैं इतना ही थैंकफुल हूँ और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं, देखते हैं वो कब आते हैं। ये देखिए जर्मनी का दुर्गा पंडाल, और हम मिस कर रहे हैं ना वो रियल वाले पंडाल को, और अभी चलते हैं आगे, प्रसाद ले लेते हैं, देखते हैं क्या है प्रसाद में। देखिए प्रसाद में हमको क्या मिला है, फ्रूट्स हैं और खीर मिली है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं। खा के देखती हूँ, एक खीर टेस्ट करके बताते हैं। अच्छी है खीर, एक नंबर। मैं एंजॉय करती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो हम लोग इतना लेट तक रुके कि फाइनली हम लोग खाना पीना खा के सारे बर्तन साफ करके जा रहे हैं, और मैं आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ, मेरी फ्रेंड, इनको आप जानते भी होंगे, प्रगति। हेलो। और सच में हमें इतना मजा आया, अब थे कि सारी जलेबियां खत्म हो गई हैं, एक छोटी सी जलेबी बची हुई है, और नहीं इस बार मैं नहीं खाऊंगी, एक ये सेकंड टेक है। तो जलेबी बहुत औसम इन्होंने जलेबी बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा खिला रही है क्या, शायद वीडियो बनाते हैं ये भी मिल जाए। तो बहुत औसम जलेबी इसने बनाई थी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी ऐसी जलेबी बनानी है, तो इनका चैनल है इंडियन सोल इन यूरोप, आप उस पर जाके जलेबी का वीडियो, मैंने प्रॉमिस ले लिया है कि ये जलेबी बनाने का वीडियो अपलोड करेंगे। और कौन कौन से वीडियोस हैं? रसगुल्ले के, हाँ, कढ़ी के, और इनफैक्ट सारी ऐसी चीज़ें जो आप जर्मन इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं, वो सारी रेसिपीज मैंने अपने चैनल में डाल रखी है। हाँ, तो सारी जर्मन इंग्रेडिएंट से बनने वाली इंडियन रेसिपीज़ के लिए आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग ये खाना एंजॉय करते हैं, मस्त दाल चावल सब्जी जो भी मिला था, और भंडारे का खाना, प्रसाद का खाने का तो मज़ा ही अलग होता है, तो हम एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कचौड़ी और चटनी, तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ। ये भी प्रगति लेके आई है, तो मैं खा के बताती हूँ कैसा है। तो ये बेक्ड कचौड़ी है, सीरियसली मुझे नहीं लगता था कि बेक्ड चीज़ें इतनी अच्छी हो सकती हैं, तो बहुत अच्छी, आई थिंक गरम होने पर और अच्छी लगती होगी ना, गरम गरम बहुत अच्छी है ये भी रेसिपी। आओ आओ, आओ। इनके चैनल पे है तो आप जाके देख सकते हैं। पर थैंक यू सो मच यार, इतना कुछ खिलाने के लिए मज़ा आ गया, मेरे को तो इंडिया की याद आ गई, लग रहा है मैं इंडिया में आ गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो है कावेरी हमारे पास मिलने के लिए आई है, और लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है, आगे भी मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मिलते रहेंगे, मजे करते रहेंगे मेरे प्यारे देशवासियों। तो पहले तो मैं आपको, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि हाउ डज इट फील टू वियर साड़ी इन पब्लिक इन जर्मनी।
तो मैं बोलूंगी कि मैं फर्स्ट टाइम ना साड़ी पहन के पब्लिक में निकली हूँ, तो मुझे थोड़ा तो डर लग रहा था कि भाई लोग कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे, पर यहाँ उतना ज़्यादा नहीं, मतलब मुझे उतना भी नहीं लगा। लोग एक बार देखते हैं डेफिनेटली, अगर आप कुछ डिफरेंट करते हो तो लोग एक बार देखते हैं, बस देख के फिनिश। ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा देर तक आपको दिख रहे हैं, ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, तो वैसा नहीं है। तो मतलब आराम से आप पहन सकते हो साड़ी जैसे मैंने पहनी हुई है। और तो चलो और आगे देखते हैं क्या क्या है, क्या एक्सप्लोर करते हैं। और जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, मैं तो बाहर ही देख से आके ना घुसते ही मुझे इतना मज़ा आ गया। ये आपको एक छोटा सा 360 डिग्री व्यू दिखाती हूँ निम्फनबर्ग पैलेस का, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब मज़ा आ गया, दिन बन गया। एंड सच बोलूँ, व्हाट अ ग्रेट डे इट वॉज। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने दिनों बाद हम इतने सारे इंडियन लोगों से मिले। और कुछ भी हो, बता, आप कहीं भी चले जाओ ना, पर अपने लोगों से मिलके ना जो आपको एक वॉर्म्थ फील होती है ना, वो नहीं आती है, मतलब एक ये चीज़ें अंदर से आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको फोर्सफुली कर सकते हो, अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों से मिले, हमारे एक सब्सक्राइबर से भी मिले, और बहुत अच्छा लगा। और बताए, मैं आपको भी बताना चाहती हूँ ना, बहुत सारे लोग मुझे थोड़े थोड़े लोग ना पहचानने भी लगे हैं, जिन्होंने हाई किया हो कि मैंने आपको कहीं देखा, आप वीडियोज़ बनाते हो ना। तो अच्छा लगा, ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट डे। तो बस इतना सा था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू सून अगेन। बाय बाय, टेक केयर।